हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हो जाइए तैयार क्योंकि आ गया है राजकुमार। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आगामी बधाई के साथ टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं राजकुमार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले देखिए, हमने रुधिर से बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, रुधिर के बारे में जाना। और दोस्तों, रुधिर को पढ़ने के बाद, ब्लड को पढ़ने के बाद, आज एक नया टॉपिक जिस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज आपसे इसी पर डिस्कस करना है। वैसे इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, सिराएं, धमनियां, ये दोस्तों बहुत सारा अंग होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ होगा? हृदय पर होगा, दिल पर होगा। ठीक है, तो आज हमें दिल की बातें करनी है और दिल के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि देखिए, हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस, प्री कम मेंस दोनों का बैच एक साथ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, पीसीएस प्रीलिम्स 2020 और प्री कम मेंस 2020। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी इसमें ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीएस प्री 2020 के लिए एडमिशन लेना है, तो आप दिए गए इस ऊपर वाले नंबर पर 9170509670। सो फ्रेंड्स, आपको इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करनी है। या दोस्तों, अगर आपको प्री कम मेंस के लिए एडमिशन लेना है, तो 9918000454। सो फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर फोन करके एडमिशन प्रक्रिया की सारी जानकारी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर ना भूले, इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन जरूर करें और हमारी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जरूर जाने। दोस्तों देखिए, पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय है। और पीसीएस दोस्तों एक ऐसी भर्ती है, दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी वैकेंसी है जो समाज में आपको एक अलग ही पहचान देती है। अगर हम दोस्तों बात करें तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कंडक्ट यह परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे जज्बे के साथ, पूरे मेहनत के साथ, लगन और निष्ठा के साथ तैयारी अपनी प्रारंभ कर चुके हैं। तो आपकी तैयारी में दोस्तों हम भी भागीदारी करना चाहते हैं। और ये विश्वास करें, ये भरोसा रखें कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में आप जितना अपेक्षा करते हैं, उससे बेहतर हम देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए, प्री के लिए, पीसीएस प्री के लिए आप इस 9170509670 और पीसीएस प्री कम मेंस के लिए आपको 9918000450 इस नंबर पर फोन करके मतलब एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का बहुत ही विशेष टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, आखिर ये परिसंचरण क्या होता है, क्यों होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, होता यह है कि जो कुछ विशेष जंतु ऐसे होते हैं, उन जंतुओं में कुछ विशेष पदार्थ जैसे हार्मोन, ग्लूकोज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, दोस्तों ये सब पदार्थ होता है। इन पदार्थों को आवश्यक स्थान पर आवश्यक अंगों तक ले जाने के लिए शरीर में कुछ सिराएं और धमनियों का निर्माण होता है। तो जब शरीर में उपस्थित आवश्यक पदार्थ सिराओं और धमनियों के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो इसे हम परिसंचरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, शरीर में क्या होता है, कुछ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल होता है, इनको हम क्या करते हैं, जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, इनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, परिसंचरण क्या होता है कि शरीर में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों, यूरिया जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज या दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स या कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इन सबको आवश्यक स्थान पर पहुंचाने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। देखिए, वैसे तो परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन टाइप और एक क्या होता है, क्लोज टाइप। तो दोस्तों, एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। तो खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण, देखना यह है कि मनुष्य हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, खुला होता है कि बंद होता है। तो बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण,
देखिए खुला परिसंचरण वह होता है कि जब रक्त रक्त वाहिनियों में बहते बहते कुछ खुले स्थान पर पहुंच जाता है तो वो क्या होता है, ओपन टाइप होता है। और खुला परिसंचरण में रक्त का बहाव और दबाव दोनों कम होता है। लेकिन बंद परिसंचरण वह परिसंचरण होता है जिसमें रक्त सदैव बंद मार्गों में ही बहता है, अर्थात सिराओं और धमनियों के बीच ही बहता है। और दोस्तों यहां दबाव और गति क्या होती, ज्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। अब हमारे अंदर यानी मनुष्य में जो परिसंचरण होता है वो क्या होता है, बंद परिसंचरण होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है ना। बल्कि क्या होता है, दोहरा होता है दोस्तों, डबल क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और दोहरा परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें एक तरफ शुद्ध रक्त होता है और एक तरफ क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो हमारा परिसंचरण यही होता है। तो हमारे शरीर में इस परिसंचरण के लिए सिराएं और धमनियां होती हैं। दोस्तों ये जानते हैं कि सिराएं क्या होती हैं, धमनियां क्या होती हैं। कुछ सिराएं और धमनियां होती हैं, सो फ्रेंड्स जो सिराएं और धमनियां होती हैं ये क्या करती हैं, रक्त का परिवहन करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिराओं पर, पहले बात करते हैं किस पर, सिराओं पर। इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो दोस्तों जो सिराएं होती हैं यह लचीली होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा बहुत कम मात्रा में लचीली कम होती हैं, ये लचीली कम होती हैं, इनको वेन्स कहते हैं। और सिराओं में क्या बहता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जो सिराएं होती हैं वो इम्प्योर ब्लड, अर्थात ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। लेकिन एक सिरा ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा। सो फ्रेंड्स जो फुफ्फुस सिरा होती है पल्मोनरी वेन होती है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस सिरा में क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। अब शरीर में और क्या होती है रक्त के परिवहन के लिए, धमनियां होती है। सो फ्रेंड्स जो धमनियां होती हैं, सभी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी की, तो फुफ्फुस धमनी ऐसी होती है जहां पर अशुद्ध रक्त बहता है। और यदि बात आए सबसे बड़ी धमनी की, तो महाधमनी जिसे हम कहते हैं एओर्टा, महाधमनी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एओर्टा कहते हैं, ठीक है। तो एओर्टा सबसे बड़ी धमनी है। और दोस्तों सुपीरियर वेनाकोवा यानी कि महाशिरा, वेनाकोवा सबसे बड़ी सिरा है। अब धमनियों और सिराओं के अलावा एक भाग और होता है जिसको हम कहते हैं रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ठीक ना। रुधिर वाहिनियां बहुत पतले पतले धागे के नुमा फैली होती है पूरे शरीर में। और रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं दोस्तों, ये सिराओं और धमनियों को कनेक्ट करती हैं। जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो सिराओं और धमनियों को जोड़ देती हैं, इनका काम होता है। सो फ्रेंड्स आज देखिए हम शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो ध्यान देना, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा हृदय, क्योंकि हृदय ही प्रमुख अंग है परिसंचरण का। तो हृदय दोस्तों, हृदय को हम हिंदी में हृदय के साथ साथ इसको हम दिल भी कहते हैं और इसे हार्ट कहते हैं, ठीक है ना, हार्ट। तो आज हम दिल के बारे में पढ़ेंगे, दिल की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे कि दिल क्या होता है, हृदय क्या होता है, दिल कैसा बना होता है, कितने वाल्व होते हैं, इसमें पेसमेकर क्या है, साइनो ऑरिकल नोड क्या होता है, हार्ट बीट की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, या दोस्तों हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स हृदय क्या है, दिल क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों जो दिल होता है, जो हृदय होता है, यहां से एक दो प्रश्न इसके पहले आ चुका है, जैसे कि हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया था, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने। और फिर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पहली ओपन हार्ट सर्जरी यानी हृदय में पहला ऑपरेशन किसने किया था। सो फ्रेंड्स डाल्टन लिलेहन साहब, ठीक है ना। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने पहला, जो क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने क्या किया था, हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। एंड फ्रेंड्स
इसके बाद पहली ओपन हार्ट सर्जरी डाल्टन लिलेहन साहब ने की थी, डाल्टन लिलेहन साहब ने की थी। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि हमारे भारत में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ध्यान देना 1992 की बात है, 1992 में ये बात है एम्स दिल्ली की, एम्स दिल्ली। फ्रेंड यहां पर एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर थे पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल ने क्या किया था, सबसे पहले एम्स दिल्ली 1992 में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया था पी वेणुगोपाल ने। तो इस पॉइंट्स को भी जानते रहें दोस्तों, ये भी पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पहला कृत्रिम हृदय कौन सा, तो ध्यान देना जार्विक सेवन, जार्विक सेवन पहला कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन ये पहला क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट है जार्विक सेवन। तो दोस्तों आइए हम हृदय के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए जो हृदय होता है क्या करता है, फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट है, हृदय है, ये पूरी बॉडी के ब्लड को अपने पास लेकर के आता है और वापस अपने पास से फिर वापस भेज देता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है, फेफड़े में भेजता है, फिर फेफड़े से वापस लेके आता है और वापस फिर पूरी बॉडी में भेज देता है। यानी पहले पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के आएगा, फेफड़े में भेजेगा, फिर फेफड़े से वापस लाएगा, फिर पूरी बॉडी में भेज देगा। दोस्तों इसे हम कहते हैं पंपिंग, ठीक है। जो हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है, ठीक, तो इसका यही वर्क होता है दोस्तों। बाकी हमारी अवधारणाएं होती हैं कि कोई दिल से प्यार नहीं करता, दिमाग से करता है, बहुत चीजें दोस्तों होती हैं। देखिए होता क्या है कि जो दिल हमारा है मांसपेशियों का बना होता है, यानी कि मांस का बना होता है। तो वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए कि जब मांस का बना होता है तो आखिर टूट कैसे जाता है। भाई दिल टूट जाता है ना, और टूट जाता है दर्द भी होती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये क्रिटिकल मुद्दा है दोस्तों। देखिए आगे हम सोचते हैं, जब दिल हम पढ़ते हैं तो दिल को हम कैसे पढ़ते हैं, विभिन्न स्टेज में। जब हम बचपन में होते हैं, प्राइमरी शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं, तो दिल के बारे में हमारी अवधारणाएं कुछ अलग होती हैं, यानी हम बड़ों से सीखते हैं, ठीक है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब पहली दूसरी में पढ़ते हैं, या फ्रेंड्स जब हम तीन चार में पढ़ते हैं, तो दिल के बारे में हमारी अवधारणा क्या होती है, अलग होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वास्तव में हम ऐसा सोचते थे पहले, हम बड़ों से सीखते थे। तो जब बच्चा तीन चार पाँच में पढ़ता है तो दिल के बारे में देखिए उसकी क्या स्थिति होती है, वो दिल के बारे में क्या सोचता है। उसे लगता है कि जो हृदय होता है, जो हृदय होता है वो इस प्रकार से होता है ना। तो दोस्तों जब कोई बच्चा तीन चार पाँच में पढ़ता है तो दोस्तों दिल का आकार उसे कुछ इस प्रकार लगता था, है ना। यानी देखिए बचपन में हम कितना क्या सोचते थे किसके बारे में, क्योंकि हम बड़ों से सीखते थे। अब फ्रेंड्स क्या है, जब वह बच्चा फिर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने का मतलब यह है कि जब तीन चार पांच में था तो उस दिल के बारे में उसकी अवधारणा यह थी, जब वह आठवीं में गया तो दिल के बारे में क्या हुआ, उसकी अवधारणा कुछ बदल गई कि नहीं ये कुछ एडवांस होता है, कुछ अच्छा होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का बन गया, है ना। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दिल के बारे में जो अवधारणा क्या हो रही है वो बदल रही है। अब देखिए जब वह जाएगा 11-12 में, तो क्या होता है वही लगभग 16-17 की उम्र होती है, और दोस्तों वो उम्र ऐसी होती है जिसमें लोग प्यार में पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उस समय लोगों को लगता है जो दिल होता है वो दिल की जो दिल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। फ्रेंड्स इस तरह से होता है, देख लीजिए कुछ ऐसा लोगों को लगता है कुछ ऐसा दिल होता है, ठीक है ना। तो दिल के बारे में क्या होता है, अलग अलग हमारी अवधारणाएं होती हैं, अलग अलग थिंकिंग होती है, देखिए कुछ इस तरह से। और जब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक स्टेप और आता है, जब लोग अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो जब दूर जाते हैं तो क्या होता है, दिल में दर्द होता है। तो भाई आगे क्या होता है दोस्तों, आगे लगता है कि दिल हमारा इस प्रकार से होता है। देखिए केवल हमारी कल्पना होती है, ये दिल ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये हमारी केवल कल्पना होती है, ठीक है ना। तो इस तरह होता है, अलग अलग उम्र में अलग अलग कल्पनाएं दिल के बारे में होती हैं। अब इस स्टेज के बाद है ना, दिल टूट, इस स्टेज के बाद क्या होता है, जो अगला स्टेप होता है, ठीक है ना, इसके बाद दर्द होता है, जो अगला स्टेप होता है भाई उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल हार्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इस तरह से। तो भाई ये अवधारणा होती है हमारे दिल के बारे में दोस्तों, परंतु ये केवल कल्पना है,
हृदय हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जो ये कल्पना हम बता रहे हैं आपको, ये कल्पना पूरे विश्व की है। सबको लगता है कि दिल पान के पत्तों की तरह होता है, दिल ऐसा होता है और दिल में सब बातें होती हैं। तो गलत अवधारणा है, दिल से प्यार मोहब्बत नहीं होती है। दिल केवल हार्ट जो होता है, दिल हमारा केवल ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। और दिल टूटता फूटता नहीं, ये कार्य करता रहता है। अगर हृदय में जरा सा ब्लड कम आया तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि दिल टूटने के बाद, इस स्टेप के बाद हमारा दिमाग खुलता है तो हमको मालूम पड़ता है कि पढ़ने लिखने सब कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ सही नहीं है। तो वापस हम पढ़ाई में लग जाते हैं। तो अब जब हम पढ़ते हैं तो किताबों से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा हृदय किस प्रकार से होता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार का होता है। अब देखिए, अब यहां हम जानेंगे कि जो हमारा हृदय होता है वो किस प्रकार का होता है और किस प्रकार इसका फंक्शन होता है। तो फ्रेंड देखिए, यह जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट का। यह इस डायग्राम से हम समझेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से यह वर्क करता है। इन सारे टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आपसे। तो पहले इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में, कौन सा अंग कहाँ होता है, चर्चा करेंगे आपसे उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कि कौन सा अंग किस प्रकार से फंक्शन करता है। और सफ्रेंड जानते हैं, जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, यहां से जो प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न लगातार पूछता है आपके हार्ट बीट से। हार्ट बीट से काफी मात्रा में प्रश्न यहां से बनते रहते हैं, हार्ट बीट से और ब्लड प्रेशर से, कि बीपी हमारा कितना होता है। ये क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट हमें अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, लगभग लगभग जो स्ट्रक्चर था ये बन चुका है हृदय का, ठीक है दोस्तों। कुछ लगभग ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर हमारे हार्ट का। एंड देखिए, जो इसमें अभी मैं बताऊंगा वाल्व कहाँ होता है, और दोस्तों वाल्व क्या करता है, वाल्व कहाँ होता है, इसके बारे में कैसे प्रश्न बनते हैं सारे पॉइंट्स को। सो फ्रेंड्स, यहां देखते हैं वाल्व कहाँ होता है। यहां देखिए वाल्व होता है हृदय में, ठीक है ना। ये वाल्व होता है हमारे हार्ट में, थोड़ा सा छोटा बन गया जरूर से, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए एंड फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे पूछता है कि यहां पर वेंस कहां होती है। तो वेंस के बारे में भी, महाधमनी कहां होती है या महाशिरा कहां होती है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ना हमको। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, यहां देखिए, यहां पर दो सिराएं होती हैं, एक अग्र महाशिरा होती है और एक पश्च महाशिरा होती है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इधर से भी एक धमनी, एक सिरा, एक धमनी निकली होती है, सॉरी, एक सिरा यहां पर होती है और एक सिराएं यहां होती है, ठीक।
एंड फ्रेंड्स देखिए लगभग जो इसका स्ट्रक्चर था वो बन चुका है। अब इसके बारे में हमें जानना है कि कौन सा अंग कहाँ होता है, और यहाँ देखिए कुछ मात्रा में यहाँ साइनो ऑरिकल नोड होता है और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू होती है और यहीं से हमारा जो हार्ट बीट है, जो हमारी धड़कन होती है, यहीं शुरू होती है, ठीक है ना। देखिए तो आइए पहले इसके हम अंगों के बारे में चर्चा कर ले कि कौन सा अंग कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड्स जो पहला ये हिस्सा है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं आलिंद, और ये दाहिना भाग होता है, इसको हम कहते हैं दाया आलिंद। तो इस बात को जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दाया आलिंद कहते हैं, राइट ऑरिकल कहते हैं, दाया आलिंद, या इसे कहते हैं राइट ऑरिकल, ठीक है। अब फ्रेंड्स दाया आलिंद के बाद क्या होता है, यहां देखिए यह होता है दाहिना निलय, यह होता है दाया निलय या दाहिना निलय, ये निलय होता है, इसे कहते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दाया निलय होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। एंड फ्रेंड्स यहां देखिए जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पश्चमहासिरा, इसे कहा गया पश्चमहासिरा, एंड इसे कहा गया अग्र महासिरा, अग्र महाशिरा। तो अग्र महाशिरा का मतलब होता है सुपीरियर वेना कोवा, और इसका मतलब क्या है, इंफीरियर वेना कोवा। और इसके बाद देखें एक वाल्व होता है, और इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकुस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। तो त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकुस्पिड वाल्व कहते हैं, त्रिवलनी कपाट, ट्राइकुस्पिड वाल्व। एंड फ्रेंड्स यहां होता है एसए नोड, ठीक है ना, ध्यान देना है कि इसको क्या क्या होता है, ऐसा नोड होता है, और इस ऊपर वाले भाग को इसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, इसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो गया राइट वाला भाग। सो दोस्तों ये राइट वाला साइड, राइट साइड है, ये राइट वाला भाग है। एंड एक बात आप विशेष ध्यान देंगे, जो फुफ्फुस धमनी होती है ये कहां से गई हुई है, हार्ट यानी कि हृदय टू लंग, हृदय से लंग यानी कि फेफड़ों में गई है। इस बात का ध्यान देना आप लोग, कहां से गई है, ये हृदय से गई है फेफड़ों में। तो राइट वाला पार्ट हमारा बन चुका है, यहां नंबर भी मैंने कर दिया है, आइए देखते हैं कि लेफ्ट वाले में कौन कौन से भाग है। सो फ्रेंड्स जो पहला भाग यहां पर ये वाला है, इसे हम कहते हैं बाया आलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, बाया आलिंद लेफ्ट ऑरिकल इसे कहते हैं। एंड फ्रेंड्स यहां देखिए इसे हम कहते हैं बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये होता है बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड फ्रेंड्स यहां जो वाल्व है, इस वाल्व को हम कहते हैं द्विवलनी कपाट, डाइकुस्पिड वाल्व, इसे कहते हैं द्विवलनी कपाट यानी कि डाइकुस्पिड वाल्व। तो इसको द्विवलनी कपाट हम कहते हैं, डाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। एंड फ्रेंड्स यहां जो ये वाला हिस्सा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये फुफ्फुस सिरा है, फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन। और ध्यान देना ये कहां से आई हुई है, ये आई हुई है लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट यानी कि फेफड़ों से हृदय में आई है। कहां से आई है, फेफड़ों से हृदय में आई है। और ये जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं महाधमनी, और इसी का नाम क्या है, आयोटा, इसी का नाम है आयोटा, इसे कहते हैं महाधमनी। एंड फ्रेंड्स हार्ट टू बॉडी यानी हृदय से ये शरीर में जाती है, ध्यान देना ये क्या होता है, हृदय से शरीर में जाती है। तो सभी अंग लगभग बन चुके हैं, एक बार मैं अंग्रेजी में इन सभी अंगों को बता दे रहा हूं। ये पल्मोनरी धमनी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, अग्र महाशिरा का मतलब होता है सुपीरियर वेना कोवा, दाया आलिंद इसका मतलब होता है राइट ऑर्ट्रियम या राइट ऑरिकल, फिर है पश्च महाशिरा, इसे हम कहते हैं इनफीरियर वेना कोवा, फिर त्रिवलनी कपाट है ट्राइकुस्पिड वाल्व, एंड दोस्तों फिर क्या है, दाहिना निलय है राइट वेंट्रिकल, और यहां देखें यहां महाधमनी है, इसे हम कहते हैं आयोटा, और उसके बाद फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल एंड ये डाइकुस्पिड वाल्व, और ये बाया निलय। अब ये सारे अंग लगभग बन चुके हैं। यहां देखिए जो ये वाला भाग है,
इस भाग को हम कहते हैं एस ए नोड, और यही एस ए नोड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू होती है और यही हमारे पेसमेकर का भी कार्य करता है। तो ध्यान देना, ये हमारे आलिंद में होता है। तो लगभग लगभग हार्ट का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब इसकी कार्यविधि के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में रक्त दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। जो अशुद्ध होता है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, और जो शुद्ध रहता है उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो ब्लड होता है वो महाशिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने भाग में आता है। तो दाहिना भाग कौन सा होता है? ये दाहिना भाग, क्योंकि दाया आलिंद और दाया निलय है, ठीक है ना। तो ये दाहिना भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त इस अग्र महाशिरा और इस पश्च महाशिरा, ठीक, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त इस अग्र महाशिरा और इस पश्च महाशिरा के द्वारा सबसे पहले कहां आता है? दाया आलिंद में आता है, यहां आता है, इस पूरे भाग में आता है। ठीक है, तो जब रक्त, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से सबसे पहले इस दाहिने आलिंद में आता है, ठीक है ना, और दाहिने आलिंद में आने के बाद जो रक्त होता है, फिर यहां लगातार ब्लड आता रहता है, जिससे दाहिना आलिंद भर जाता है, और दाहिने आलिंद के भर जाने के बाद यहां जो ये वाल्व होता है, जिसे कहते हैं त्रिवलनी कपाट, ट्राइकुस्पिड वाल्व, इस वाल्व पर एक दबाव बनता है। जब वाल्व पर दबाव बनता है, क्या होता है, वाल्व खुल जाता है, और जैसे ही वाल्व खुलता है, रक्त तुरंत आलिंद का रक्त जो दाहिने आलिंद में था वो दाहिना निलय में चला आता है। ठीक है, और जब दाहिने आलिंद का रक्त दाहिने निलय में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, यहां पूरा ब्लड भर जाएगा। ठीक है, तो जब रक्त दाया निलय में भर जाता है तो वापस जाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही रक्त वापस जाने का प्रयास करता है, ये आलिंद क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर ये जो वाल्व होता है ये वाल्व बंद हो जाता है, और जैसे ही वाल्व बंद होता है, रक्त क्या होता है, रक्त को निकलने का केवल एक रास्ता बचता है, जिसका नाम क्या है, यानी कि अब यहां से ब्लड को निकलने का केवल एक रास्ता बचता है, ये रास्ता, जिसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। तो इस फुफ्फुस धमनी से होता हुआ रक्त कहां पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, रक्त कहां पहुंचता है, फेफड़ों में। जब रक्त फेफड़ों में पहुंच जाता है तो फेफड़ों में होता है शुद्धिकरण की क्रिया। शुद्धिकरण का मतलब यह होता है कि रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। यह क्रिया वाह श्वसन के दौरान दोस्तों संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। फिर फेफड़ों में शुद्ध रक्त क्या होता है, हृदय के बाएं भाग में आता है, लेफ्ट वाले में आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों से हृदय में आता है, अर्थात फुफ्फुस शिरा से। कहां आता दोस्तों, सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है, यहां पर आता है, ठीक है ना। कहां आता है, बाएं आलिंद में आता है, इस वाले भाग में यहां आता है, ठीक। तो फेफड़ों में शुद्ध हुआ रक्त इस फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहां आता है, इस बाया आलिंद में आता है, और जब लगातार ब्लड यहां पर आता रहता है तो ये आलिंद क्या होता है, भर जाता है, ठीक है ना। आलिंद क्या होता है, भर जाता है। जब ये आलिंद भर जाता है तो दोस्तों उस समय क्या होता है, जब ये आलिंद भर जाता है तो ये वाल्व जो होता है खुल जाता है, और जैसे ही वाल्व खुलता है, ये शुद्ध रक्त जो फेफड़ों से आ रहा है वो बाएं आलिंद से पूरा बाएं निलय में क्या होता है, चला आता है। और जब बाएं निलय में ब्लड आ जाता है तो क्या होता है, फिर ये निलय के भर जाने पर रक्त वापस जाने का भी प्रयास करता है यहां से, लेकिन जैसे ही रक्त वापस जाता है ये वाल्व क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाल्व बंद हो जाता है, और जैसे ही वाल्व बंद होता है फिर रक्त को यहां से बाहर निकलने का केवल एक रास्ता बचता है, वो है क्या दोस्तों, वो है महाधमनी। तो शुद्ध रक्त जो फेफड़ों से आया था अब महाधमनी से होता हुआ क्या होता है, हार्ट टू बॉडी, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो यही क्रियाविधि होती है हृदय की। हृदय ऐसे ही कार्य करता है। बाकी देखिए, हृदय में लगा होता है पेसमेकर, ठीक है, ये क्या करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, रुकी हुई हार्ट बीट को चालू कर देता है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो भाई दिल में चार कमरे हैं, ठीक, तो
जो हमारा हार्ट है इसमें कितने चैम्बर, 1, 2, 3, 4, तो चार कमरे होते हैं हृदय में, चार चैम्बर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चार चैम्बर इसमें है, दो वाल्व होते हैं, और जो हृदय का आवरण होता है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए यहां जो ये आवरण इसका होता है, ये जो आवरण इसका है ये नीलय की ओर मोटा होता है और आलिंद की ओर क्या होता है, पतला होता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा जो ये बायां नीलय होता है, बायां नीलय दाहिने नीलय से बड़ा होता है। ये बड़ा क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध ये क्या करता है, पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मतलब प्योर ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है ना, पूरे बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई करता है, इसीलिए ये जो बायां नीलय है ये दाएं से बड़ा होता है। तो ये बड़ा वाला हिस्सा ये बड़ा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए उसके बाद क्या है कि जो आपका आलिंद है, आलिंद बड़े होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जो हृदय आपका है इसमें जो नीलय है, जब नीलय फैलता है, जब नीलय ये फैलता है तो क्या करता है, आलिंद से रक्त को प्राप्त करता है, और जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, रक्त को इस महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या होता है, फेफड़े में भेजता है, और महाधमनी से क्या होता है, शरीर में भेजता है। तो दोस्तों क्या होता है कि दोनों आलिंद और दोनों नीलय ये दोनों एक साथ फूलेंगे, एक साथ पचकेंगे, ठीक है ना, एक साथ सिकुड़ते हैं, ये भी क्या होता है, एक साथ फैलते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो जब ये फैलते हैं, जब नीलय फैलता है तो आलिंद से रक्त को प्राप्त करता है, यहां से अशुद्ध रक्त को और यहां से शुद्ध रक्त को, ठीक है। और जब सिकुड़ते हैं तो दोस्तों महाधमनी के द्वारा और फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त को फिर आगे भेजते हैं, रक्त को फिर पंप करते हैं। देखिए जब यह सिकुड़ता है, जब नीलय सिकुड़ता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं प्रंकुचन। जब सिकुड़ेगा तो ब्लड को भेजेगा आगे, जब ब्लड को आगे भेजेगा तो दबाव बनेगा धमनियों पर, उस दबाव को हम कहते हैं रक्त दाब, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब यह नीलय क्या करेगा, जब यह सिकुड़ेगा तो शुद्ध रक्त को क्या करेगा, धमनी के द्वारा आगे भेजेगा, ठीक है ना, और इसको कहते हैं प्रंकुचन यानी कि सिस्टोलिक। और जब यह फैलता है तो रक्त को प्राप्त करता है, तो जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, ध्यान दीजिएगा, जब नीलय क्या करता है, सिकुड़ता है तो रक्त को आगे भेजता है, ठीक है ना, महाधमनी द्वारा शरीर में और फुफ्फुस धमनी द्वारा भेज देता है फेफड़े में, ठीक है। तो जब यह सिकुड़ेगा तो उसे हम कहते हैं प्रंकुचन यानी कि सिस्टोलिक, और जब यह फैलता है तो रक्त को प्राप्त करता है तो इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, और ध्यान दीजिएगा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पेरिकार्डियम द्रव होता है, क्या होता है, पेरिकार्डियम द्रव होता है। और दोस्तों पेरिकार्डियम द्रव क्या करता है, ये हृदय की सुरक्षा करता है, हृदय को आघात से बचाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कुछ मैंने फिगर लिया हुआ है, देखते हैं कि कैसे कैसे ये फिगर वर्क करता है। सो फ्रेंड देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये हृदय का स्ट्रक्चर है जो अभी बताया गया था आपको, ये ट्राइकुस्पिड वाल्व है और राइट ऑट्रियम, इसको हमने क्या बोला, ऑरिकल बोला, इसे ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। यही देखिए आपकी सुपीरियर वेना कावा है, जिसे हम कहते हैं महाशिरा, यही होती है महाशिरा। और फ्रेंड देखिए ये है राइट वेंट्रिकल, दायना नीलय होता है, दाया नीलय होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आपका सेप्टम होता है, इसी सेप्टम से क्या होता है, ये अलग होते हैं। जो नीलय होता है वो दोस्तों क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग होता है, और जो आलिंद होता है दोस्तों वो ऑरिकुलर सेप्टम से अलग होता है, ठीक है ना। यानी जो आलिंद है वो ऑरिकुलर सेप्टम से अलग होता है, और जो नीलय होता है वे वेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो आपका ये बायां नीलय है ये दाएं से बड़ा होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो प्योर ब्लड होता है उसकी सप्लाई करता है होल बॉडी में। सो फ्रेंड्स याद देखिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हमने कहा था फुफ्फुस धमनी, ये क्या करती है, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजती है और वहां वो क्या होता है, शुद्ध होता है। फिर फ्रेंड्स ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, क्या है, पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस सिरा है, ये क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को आपके जो है बाय आलिंद में लाती है। सो फ्रेंड यही देखिए आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है, यहां देखिए एओर्टा है, महाधमनी है जो शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाती है।
तो ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर है। और देखिए आप लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि कैसे यह फंक्शन जो होता है हमारी पूरी बॉडी में। देखिए यहाँ जो नीला वाला भाग है, जो नीला वाला भाग वो इम्प्योर ब्लड का भाग है, लेकिन जो रेड वाला भाग क्या है वो दोस्तों आपके प्योर ब्लड का भाग है। यानी इधर क्या होता है, इधर होता है शुद्ध रक्त, ठीक है ना। इधर क्या होगा, इधर होगा शुद्ध रक्त और इधर क्या होता है अशुद्ध रक्त, ठीक। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो कैसे कैसे विभिन्न अंगों से हमारा जो हृदय होता है रक्त को प्राप्त करता है, ठीक है। या दोस्तों किडनी वगैरह होती है तो इनसे ब्लड क्या होता है आगे बढ़ता है, आगे हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से कहाँ पहुंचता है, देखिए यहाँ देखिए इस तरह से गया हुआ है ना, फेफड़े में यहाँ शुद्ध हुआ, उसके बाद फिर क्या होता है पल्मोनरी वेन से क्या होता है फिर आता है आपके हृदय में, और उसके बाद महाशिरा महाधमनी से क्या होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है दोस्तों। ऐसे स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट का। लेकिन एक चीज और मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको याद करने का। देखिए दोस्तों तरीका वो क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, और देखिए वहां से आप इसकी क्रिया विधि को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या इसकी क्रिया विधि होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय की क्रिया विधि, देखिए फंक्शन ऑफ हार्ट। सो फ्रेंड्स हमें जानना है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इसको मैं आपको बहुत आसानी से डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है अशुद्ध रक्त, तो ध्यान दीजिएगा यहां संपूर्ण शरीर का, ठीक, संपूर्ण संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त जिसमें क्या मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त, ठीक, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, दैट मींस सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू क्या होता है सबसे पहले पहुंचता है दाया आलिंद में। कहां पहुंचता है भाई, दाया आलिंद में। एंड फ्रेंड्स दाया आलिंद में पहुंचने के बाद फिर त्रिवलनी कपास यानी कि कपाट यानी कि ट्राइकुस्पिड वाल्व, ठीक, त्रिवलनी कपाट तो त्रिवलनी कपाट से होता हुआ यह ब्लड कहां पहुंचता है फ्रेंड्स, ये ब्लड पहुंचता है दाया निलय में, ठीक है। कहां पहुंचता है दाया निलय में, दाया निलय, दाया निलय में आता है। एंड फ्रेंड्स यहां से क्या होता है, देखिए यहां से रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा ब्लड क्या होता है दोस्तों, ये पहुंचता है फेफड़े में। कहां पहुंचता है फेफड़े में, और फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में होता है शुद्धिकरण। क्या होता है शुद्धिकरण, और अब क्या होता है शुद्ध होने के बाद यह रक्त पुनः यहां से फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा ये पहुंचता है बाया आलिंद में, आता है बाया आलिंद में, ठीक, और फिर द्विवलनी कपाट से होता हुआ, द्विवलनी कपाट, इस कपाट से होता हुआ ब्लड कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है बाया निलय में, बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड फ्रेंड्स फिर क्या होता है,
फिर यह महाधमनी से होता हुआ, महाधमनी यानी अयोटा, अयोटा से होता हुआ क्या होता है पूरी बॉडी में यानी संपूर्ण शरीर में क्या होता है फैल जाता है। ठीक, तो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर में, ठीक है, संपूर्ण शरीर में। देखिए यही होता है फंक्शन पूरे हार्ट का, हृदय ऐसे ही दोस्तों फंक्शन करता है, ऐसे ही इसका कार्य होता है। तो बहुत आसान तरीका है इसको सीखने का। आइए हम आगे देखते हैं कि हृदय गति क्या होती है, ठीक है ना। हृदय गति किसे कहते हैं, हार्ट बीट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमको जानना है कि दोस्तों हृदय गति क्या होती है या दोस्तों हार्ट बीट क्या होती है। देखिए होता यह है कि हृदय में क्या होते हैं, हृदय में फ्रेंड्स वाल्व होते हैं। देखिए जो वाल्व होते हैं हृदय में, ये वाल्व क्या होते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। ठीक, जब ये वाल्व खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं तो यहां से लब और डब की ध्वनि आती है। इन दोस्तों इन वाल्वों के खुलने और, देखिए वाल्व यही है, तो क्या होता है इन वाल्वों के खुलने और बंद होने से लब और डब की ध्वनि आती है। और यही लब और डब की ध्वनि, ठीक है, क्या होता है लब और डब, तो लब और डब की ध्वनि आती है। और फ्रेंड्स यही लब और डब की ध्वनि क्या करती है, हृदय गति का निर्माण करती है। या देखिए जब ये जो निलय होता है, जब यह सिकुड़ता है तो दोस्तों प्रंकुचन, और जब फैलता है तो अनुशिथिलन, ठीक है। तो प्रंकुचन और अनुशिथिलन मिलकर के हृदय गति का निर्माण करते हैं, अर्थात धड़कन का निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड देखते हैं कि धड़कन में क्या क्या पॉइंट्स आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं हृदय गति, हृदय गति जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट यानी हृदय गति। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, हार्ट बीट को सुनने के लिए, हृदय गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो हृदय होता है, इसकी हृदय गति से अवश्रव्य तरंगें निकलती हैं जिसको हम ऐसे नहीं सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स हृदय गति जो होती है, अब प्रश्न ये बनता है कि हृदय गति सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो सबसे अधिक हृदय गति होती है छछुंदर नामक सबसे छोटे मैमेलिया की। छछुंदर क्या है, छछुंदर सबसे छोटा स्तनधारी है। तो छछुंदर की हृदय गति सबसे अधिक होती है। छछुंदर में हृदय गति लगभग 1500 बीट पर मिनट की होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज्यादा होती है। या देखिए उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, व्हेल मछली की, तो 7 से 8 बार अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना ही होती है। लेकिन यदि हम बात करें जब जब बच्चा भ्रूण में होता है, पेट में होता है, तो उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, तो लगभग 150 के आसपास होती है। ये अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा है दोस्तों। और देखिए, और हम अगर बात करें किसी वयस्क मनुष्य की, तो वयस्क मनुष्य में जो हृदय गति होती है उसी पे आपको यहां पर चर्चा करनी है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में हृदय गति कितनी होती है। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें वयस्क मनुष्य की, तो ध्यान देना वयस्क में हृदय गति, हृदय गति ये होती है 72 बीट पर मिनट। तो ये 72 बीट पर मिनट होती है। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इस बीट को कंट्रोल करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम डर जाते हैं, दौड़ते हैं, तो कभी कभी यह हार्ट बीट हमारी 150 के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि उस समय रक्तदाब क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए जैसे अगर अम्ली पदार्थ है, ठीक है ना, अगर अम्ली पदार्थ है तो अम्ली पदार्थ क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। लेकिन जो क्षारी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट बीट को कम कर देते हैं, ठीक है। तो अम्ली पदार्थ क्या होते हैं, वो हृदय गति को बढ़ाते हैं, और क्षारी क्या करते हैं, वो दोस्तों कम कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ हार्मोन है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, या हम बात करें एड्रेनालिन हार्मोन की, तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। एक थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, एक होता है एड्रेनालिन जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। सो फ्रेंड्स ये होती है वयस्क में हार्ट बीट 72 बीट पर मिनट की होती है। और ध्यान देना लगभग ये हमारे नाड़ी गति जो वेन होती है इसके समान होती है दोस्तों। अगर देखिए
अब अगर हम बात करें एक बीट की, तो जो एक धड़कन होती है हमारी, जो एक धड़कन होती है, एक धड़कन, जो एक धड़कन होती है, एक बीट होती है, यह होती है 0.8 सेकंड की। बहुत ही कम होती है, 0.8 सेकंड की होती है। और फ्रेंड्स ध्यान देना, इसी 0.8 सेकंड में, कहने का मतलब एक धड़कन में, एक बीट में क्या होता है, एक ही धड़कन में जो हमारा हृदय होता है वो 70 ml रक्त क्या करता है, पंप कर देता है। ठीक है, यानी एक ही धड़कन में हमारा हृदय 70 ml ब्लड क्या करता है, पंप कर देता है। और अगर बात हम करें 72 बीट की, 72 धड़कन की, तो ध्यान देना इन 72 बीट में, 72 धड़कन में दोस्तों क्या होता है कि लगभग 5 लीटर क्या होता है, रक्त पंप हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही मिनट के अंदर हमारा हृदय शरीर के संपूर्ण ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। यदि प्रश्न पूछता है कि हृदय गति को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो थायरोक्सिन है और एड्रेनालिन है। और हृदय गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा, तो पेसमेकर होता है, जो हृदय में होता है दोस्तों। और या फिर हार्ट बीट को कम करता है तो क्षारीय पदार्थ, और बढ़ाता है तो अम्लीय पदार्थ। ध्यान देना आप लोग, हार्ट बीट से इतने प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा ब्लड प्रेशर की, ठीक, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, जिसे हम कहते हैं रक्तचाप यानी कि रक्तदाब, अगर इसकी हम बात करें, तो फ्रेंड्स जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसका मापन हम क्या करते हैं, धमनियों से करते हैं। तो मापन कहां से होता है इसका, अगर बात करें मापन की, तो दोस्तों मापन इसका होता है धमनियों से, मापन धमनियों से होता है। और अगर हम बात करें मापक यंत्र की, तो ध्यान देना इसे मापने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू क्या होता है दोस्तों, ये हम हृदय गति का मापन करते हैं और धमनियों से इसका मापन होता है। अगर हम बात करें कि हृदय अगर धड़कन के अगर सॉरी अगर बात करें कि ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप क्या होता है, देखिए तो दोस्तों जब रक्त का प्रवाह हमारी धमनियों में होता है, रक्त के प्रवाह से हृदय की धमनियों पर पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। अगर हम बात करें एक वयस्क मनुष्य की, तो फ्रेंड्स एक वयस्क मनुष्य में क्या होता है, जो रक्त दाब होता है, दो होता है, एक होता है प्रंकुचन, ठीक, जिसे कहते हैं सिस्टोलिक एंड फ्रेंड्स एक होता है अनुशिथिलन, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दो होता है दोस्तों, जो सिस्टोलिक होता है इसको कहते हैं लो बीपी, और डायस्टोलिक को दोस्तों जो आपका डायस्टोलिक होता है ये लो बीपी, और सिस्टोलिक क्या होता है, हाई बीपी। अगर किसी व्यक्ति का दोस्तों जो बीपी होता है कितना होता है, ये जो आपका प्रंकुचन है 120 mm, इसका मतलब है मिलीमीटर, और इसको कैसे मापते हैं, हम पारे से मापते हैं, तो 120 mmHg। एंड फ्रेंड्स जो लो होता है वो कितना होता है, ये आपका लगभग जो है 80 mmHg। सो फ्रेंड्स ये होता है आपका जो है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब होता है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कहते हैं। और फ्रेंड्स जब हम दौड़ते हैं, या हम दौड़ते हैं, डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। दरअसल क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फियर है दोस्तों, हमारा वायुमंडल हमारे ऊपर लगभग 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है, लेकिन हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब को बराबर कर देता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है, रक्त दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसीलिए नाक से ब्लड निकल जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका
रक्तदाब, यहां देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइपरटेंशन, ये होता है हाइपोटेंशन। देखिए जब हमारा बीपी ठीक है 150 और 90 हो जाए, ठीक है ना, कितना दोस्तों, जब हमारा बीपी क्या होता है 150-90 हो जाए तो दोस्तों क्या होता है, इसमें जो बीपी होता है बहुत बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ये कहलाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, एंड फ्रेंड्स जब हमारा बीपी क्या होता है ये लगभग 100 और 60 पहुंच जाए दोस्तों या 50 पहुंच जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन दो चीजें होती हैं, इसको आप जानते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है आपका ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स आगे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं हृदयाघात। ठीक है, क्या होता है हृदयाघात, इसे कहते हैं हार्ट अटैक। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि विभिन्न धमनियों विभिन्न सिराओं के माध्यम से हमारे रक्त जो हमारे हृदय में रक्त आता है और जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से ऐसा हो कि हृदय की धमनियों में या सिराओं में रक्त जाना बंद हो जाए, या दोस्तों हम कहते हैं एक धमनी होती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है करोनरी धमनी, करोनरी धमनी। ठीक, यदि दोस्तों किसी कारण से या करोनरी धमनी में रुकावट से हृदय में रक्त की आपूर्ति में जरा सी भी कमी आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बाई बाह होती है बाई बाह में झनझनाहट होगी, ये पूरा वाइब्रेट करेगा, और यहां सीने में हल्का सा दर्द होता है, और फ्रेंड्स पसीना आएगा, श्वास लेने में कठिनाई होती है, ये होता है हृदय घात का लक्षण, जो हार्ट अटैक के आने के, जो हृदय घात के आने के एक घंटा पहले दिखाई देता है। और इस लक्षण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन आवर। सो फ्रेंड्स ये आपको चेतावनी देता है, ये चेतावनी है एकमात्र वार्निंग होती है एक घंटा पहले की, कि अगर आप इस एक घंटा पहले इलाज करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दोस्तों ऐसा हो सकता है। और ध्यान रहे कि हृदय घात आने कोई निश्चित उम्र नहीं होती, 8 साल के बच्चे को भी आ सकता है और 60 साल के वृद्ध को भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब हृदय घात आता है तो लक्षण दिखाई पड़ता है, और यही लक्षण को हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि यह गोल्डन आवर हृदय घात आने के ठीक एक घंटे पहले दिखाई पड़ता है। अब देखिए आगे, तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा इसके बारे में, हार्ट अटैक के बारे में। और देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि यह 3 बार आता है, तो भाई जरूरी नहीं कि 3 बार आता है, हार्ट अटैक आने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि एक 3 बार आएगा कि 1 बार आएगा। अगर अधिक मात्रा में प्रभाव है तो वह एक ही बार आएगा और एक ही बार काम कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों यह हो गया आपका हृदयाघात। अब देखिए हमने जो है आज बहुत सारे पॉइंट्स को यहां पढ़ा है, ब्लड दोस्तों ब्लड से, या फिर हम बात करें परिसंचरण से, तो हमने लगभग लगभग पूरा पॉइंट पढ़ा हुआ है। तो आपको निरंतर ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी, और दोस्तों ऐसे ही क्लास के लिए क्या करना है आपको, आपको पीसीएस प्रीलिम्स के दोस्तों अगर कोर्स करना है तो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, पीसीएस प्री 2020 के लिए 9170509670 इस नंबर पर, और पीसीएस प्री का मेंस 2020 के लिए 9918000454 इस नंबर पर फोन करके एडमिशन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको लेनी होगी। सो फ्रेंड्स आज हमने इतना पढ़ा है, और एक बार पुनः मैं आपको गणतंत्र दिवस की आगामी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।